ये दोनों जब मिल करके काम करती हैं, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो पूरे शरीर का ध्यान रखता है, पूरे शरीर को काबू करता है, पूरे शरीर के जितने संकल्प विकल्प होते हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, एक एक पल, एक एक क्षण, कहाँ कहीं भी जहाँ किसी भी प्रकार की घटना हुई, क्रिया हुई, वो सीधा दिमाग तक पहुंचा देता है। दूसरा जो हिस्सा होता है दिमाग का, वो उसमें से वस्तुओं को उठाता है और पता करता है कि कैसे काम करना है, कैसे पता करना है, क्या शरीर में चल रहा है, कौन सा सही है, क्या गलत है। ये चीज़ें जब आप समझने लगोगे तो समझना आपने कुछ जानना और खोजना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर को ये बातें जा रही होंगी, क्योंकि मैं वो बातें नहीं कर रहा जो साधारण से साधारण जीव भी समझ सके। ये साधना की बातें हैं, ये हर किसी को सीखनी पड़ेंगी, हर किसी को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब ये चीज़ें समझ आने लगेगी तभी आप उस सिद्धों की श्रेणी तक जा सकोगे, आप योगियों से मुलाकात कर सकोगे और उसके द्वार तक जाने के लिए सक्षम हो सकोगे। नहीं तो इस संसार के अंदर इसी प्रकार से भ्रम के कारण से, भय के कारण से भटकते रहोगे, डरे रहोगे, दबे रहोगे, न बोल पाओगे, न समझ पाओगे इन रहस्यों को। क्योंकि जब तक आप इन रहस्यों को नहीं समझोगे, जब तक आपको अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता चलेगा, तो आप ब्रह्मांड का कैसे पता करोगे। आपने सिर देखा होगा, इस प्रकार से बना दिया जाता है परमात्मा के द्वारा कि गोल टाइप में बना दिया गया है, ब्रह्मांड की तरह से बना दिया गया है। प्रत्येक सिर एक ब्रह्मांड का एहसास कराता है। जो एहसास होता है, ये सहस्त्र दल कमल, दो प्रकार के लोग ही ब्रह्मांड के बारे में खोजते हैं, या तो वो वैज्ञानिक खोजते हैं जो ब्रह्मांड के रहस्य को पता करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दूसरे वो साधक होते हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं और उन रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये दोनों प्रकार के मानव खोज में लगे रहते हैं, लेकिन वो देख आँखों के द्वारा देख सकते हैं जितना उन्हें दिखाई देता है, टेलीस्कोप के द्वारा, उपग्रहों के द्वारा और किसी यंत्रों के द्वारा खोजते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, वो अपने अंदर में खोजते रहते हैं, अंदर में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अंदर में ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो उन्हें दिखाई देता है, जो सवाल आता है, उसका हल करने के लिए वो हर रोज़ ध्यान में जाते हैं, खोजने लगते हैं और जो खोज प्राप्त होती है उसको लिख देते हैं। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों के ये इतने ग्रंथ हुए, इतने उन्होंने जो देखा, जो पाया, जो समझा, जो अनुभव हुआ, वो लिखते चले गए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, साधकों को कुछ सहायता मिल सके। जहाँ से हम गुजरे, जो हमने झेला, वो उन्हें ना झेलना पड़े। लेकिन हम उनके मार्ग पर नहीं चलते, हम मनमानी साधना करते हैं, मन मर्जी से साधना की तरफ चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाना व्यवहार करते हैं, मनमानी वाणी बोलते हैं, मनमाना अहंकार दिखाते हैं। ये साधक के लक्षण नहीं हैं, ये सेवा करने वालों के लक्षण नहीं हैं, ये तो फंसे हुए घोर संसारियों के लक्षण हैं। जब अंदर में भजन प्रकट होगा, जब अंदर में जागृति होगी, जागृति से पहले ही जब कुंडलिनी शक्ति घूमने लगेगी, तो ही अंदर में शांति शुरू हो जाएगी, एकदम से नज़र फिरने लगेगी, एकदम से दिमाग की सोच बदलने लगेगी, अंदर में स्वभाव बदलने लगेगा, प्रेम जगने लगेगा, सबसे प्यार करने लगोगे, सबको अपना मानने लगोगे और अपने प्रेम का जो फैलाव है वो बढ़ाते रहोगे,
ये भी उस परमात्मा का ही है, ये भी हमारे जैसा ही, रंग रूप का भेद नहीं रहेगा, अपने प्राय का भेद नहीं रहेगा, परिवार और परिवार के लोगों में कुछ अलग भेद नहीं रहेगा, सब अपने लगने लगेंगे, सबके अंदर अपनापन होगा, प्यार का जो झरना है वो बहने लगेगा, अंदर में जो खेल जो द्वेष भावना थी वो मिट जाएगी, छोटी छोटी वस्तुओं को देख करके ईर्ष्या नहीं होने लगेगी, आपस में जो मन मुटाव है वो सामने से ख़त्म होने लगेगा। आप ये समझना शुरू कर दो, जब आप प्रकृति को स्वीकार कर लोगे, जब आप सच को स्वीकार करने लगोगे, जब आप सच को समझने लगोगे, जब आप सच को जानने लगोगे, जब आप सबको अपना मानने लगोगे, जब हृदय में इतने नरम होने लगोगे कि ये बड़ा है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, ये जीव परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग तो ये ही नहीं मानते कि परमात्मा देख रहा है। आप कोई भी घटना करो, कहीं भी घटना करो, किसी प्रकार से भी घटना करो, चाहे यहाँ करो, चाहे घर में करो, चाहे किसी परिस्थिति में करो, वो सब का सब कुछ उसके नज़रों के सामने है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो वो परमात्मा नज़रें खुली रखेगा और आप कोई बुरा कर्म करोगे तो परमात्मा आँखें बंद कर लेगा। वो परमात्मा है, कोई कबूतर नहीं है कि बिल्ली दिखाई दी और आँखें बंद कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी नज़र प्रत्येक जीव के कर्मों के ऊपर है और वो कर्म को देखता रहता है। कर्म से ही कल्याण है, कर्म से ही चढ़ाई है, कर्म से ही प्राप्ति है, कर्म ही जीव को उठा करके ले कर जाता है, कर्म ही स्वर्ग में ले करके जाता है, कर्म ही नरक में ले करके जाता है, कर्म ही आपको पृथ्वी पर ले करके आया है, कर्म से ही आप हमारे पास आए हो और कर्म ही आपका उस परम तत्व तक ले करके जाएगा। और कर्म जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होंगे उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ये बड़ा गहरा रहस्य है। उस तक ले करके जाने वाला कर्म है, लेकिन वहाँ जा करके ये कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। और जब तक कर्म शेष रहेगा जीवन मुक्ति नहीं हो सकती, ये आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तो आप सावधानी के साथ कर्मों को देखते हुए, कर्मों का ध्यान रखते हुए, कर्मों के ऊपर पकड़ बनाते हुए, आसपास के लोगों को देखते हुए, एक एक चीज़ का ध्यान करते हुए जब आप उस परमात्मा की ओर बढ़ोगे तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस संसार के अंदर भ्रम फैलाने वाले, संतों के नाम के ऊपर आडंबर करने वाले, संतों के नाम के ऊपर खेल खेलने वाले लाखों ऐसे जो साधक भी नहीं है, सिद्ध तो बहुत दूर की बात है, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। कुछ लोग आजकल एक चला हुआ है कि 52 अक्षर माया माही तामे सतनाम नाही नाही नाही, ये बोल करके और बोलते हैं कि मैं 53वां अक्षर देता हूँ या मैं ऐसा शब्द प्रदान करता हूँ जिसे जीवन मुक्ति हो जाती है। उनका पूरा का पूरा पंथ केवल इसी बात के ऊपर निर्धारित है, न साधना के ऊपर निर्धारित है, न ज्ञान के ऊपर निर्धारित है, न और किसी के ऊपर निर्धारित है, बस एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने पूरा पंथ टिका दिया। किस चीज़ के ऊपर? कि मैं अलग से नाम देता हूँ। लेकिन जब आप उनके पास जाओगे ठगा सा महसूस करोगे, क्योंकि नाम शब्दों में ही मिल रहा है, अक्षरों में ही मिल रहा है, या लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है। पता चल जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, ये तो बोल रहा था कि वो
नाम अक्षरों में आता ही नहीं और ये तो अक्षर ही दे रहा है हमें। इनका जो भ्रम पैदा करने का जो तरीका होता है वो लोगों से दो कदम आगे चलते हैं और भोले भाले जीवों के साथ जो खेल होता है, जो भोले भाले जीव बेवकूफ बनाए जाते हैं, जो भोले भाले जीवों का टाइम खराब किया जाता है, जो इन जीवों के साथ खेल करके और इनको छोड़ दिया जाता है और जिन जीवों के ऊपर परमात्मा ने कृपा करनी होती है वो उसकी साधना से भी दूर कर देते हैं, ऐसे लोगों से अच्छा तो आप घर बैठ करके साधना कीजिए, उस नाम की साधना कीजिए, परमात्मा की साधना कीजिए, ध्यान की साधना कीजिए, समय आने के ऊपर आपको गुरु अपने आप संभाल लेंगे।